चिकन नहारी। वैसे तो नहारी कई तरीके से बनती है, लेकिन आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से नहारी बनाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो मिस ना हो इसके लिए बेल आइकन प्रेस करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चिकन नहारी बनाने के लिए ये मैंने एक मीडियम साइज की प्याज लिया है, इसको कट कर लेती हूँ। पतले पतले स्लाइस में ही हमें इसको कट करनी है। फ्लेम ऑन कर लेते हैं। ये एक पैन ले लिया है मैंने। यहाँ मैंने एक कप कुकिंग ऑयल लिया है, अगर वजन से देखें तो 200 ml। ये जो प्याज मैंने चॉप करके रखी है इसको भी डाल देंगे। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक मुझे फ्राई करनी है, मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। ये प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। यहाँ मैंने ये कुछ मसाले लिए हैं, एक टेबल स्पून धनिया पाउडर, एक टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, एक टेबल स्पून नमक। इसका मैं पानी के साथ एक पेस्ट बना लेती हूँ। ये पेस्ट हम ये प्याज के साथ डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे इसको। फ्लेम स्लो कर दी है मैंने और इसको मैं कवर कर देती हूँ 5 मिनट के लिए। ये कुछ मसाले लिए हैं मैंने, 4 से 5 ये लाल मिर्च साबुत वाली, ये 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबल स्पून सौंठ पिसी हुई, थोड़े से टुकड़े हैं दालचीनी के, थोड़ी सी पीस जावित्री के, 1/2 टीस्पून मेथी, एक छोटा सा टुकड़ा ये जायफल का, 4 से 5 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 टीस्पून सौंफ, 1/2 बादनी का फूल और ये 2 पीस पीपली के, 1 टीस्पून कचरी का पाउडर लिया है मैंने। यहाँ पर मिर्च की डंडी अलग कर लेंगे, तो मैं इसको एक बारीक पाउडर बना लेती हूँ और छान लेती हूँ। 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, चेक कर लेती हूँ। ये मसाला अच्छे से भुन गया है। 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको डाल देंगे। 4 टेबल स्पून प्याज का पेस्ट, ये 1 कप दही ले रही हूँ, अच्छे से मिला देंगे। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ। 5 मिनट के लिए मैं फिर से कवर कर देती हूँ। पानी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है अभी। 5 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेती हूँ। ये मसाला कितने अच्छे से भून गया है, ये इसका तेल बिल्कुल अलग हो रहा है ना, बिल्कुल ऐसा ही मसाला हमें चाहिए। फ्लेम स्लो कर देती हूँ। जो ये रोगन है इसको हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम आटे का घोल इसके अंदर डालेंगे तो ये सारा रोगन इसका खत्म हो जाएगा, ये निकालना जरूरी है। ये 1 किलो चिकन लिया है मैंने, ये मैंने पहले से वॉश करके रखा है, तो ये इसमें ऐड कर देती हूँ। चिकन को मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे। यहाँ मैं पानी डाल देती हूँ, पूरा 1 लीटर पानी मैंने इसमें ऐड करा है। चिकन को गलने तक मैं पकाऊंगी, इसको कवर कर देते हैं। 1 बॉईल आने तक मैं हाई फ्लेम रखूंगी, उसके बाद मैं स्लो कर दूंगी। ये 4 टेबल स्पून चने का आटा ले रही हूँ, आप चाहें तो गेहूं का आटा ले लें। ये जो मैंने मसालों का पाउडर बनाया था, ये 2 टेबल स्पून वो पाउडर ले रही हूँ। 1/2 लीटर पानी के साथ एक लिक्विड तैयार कर लेंगे, इसमें जो ये लम्स आ रहे हैं इसको भी खत्म कर देंगे। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेती हूँ। इससे ज्यादा नहीं गलाना, थोड़ा टाइट ही रखना है अभी हमें। जो हमने लिक्विड तैयार करा था इसके लिए आटे का और मसाले का, तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ये भी स्लो फ्लेम कर देती हूँ 5 मिनट के लिए, फिर से कवर कर देती हूँ मैं इसको। तो 5 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेती हूँ। फ्लेम ऑफ कर देंगे, नहारी तैयार है ये। अभी ये पतली है थोड़ी सी, आटा डाला है हमने, ठंडी होने पर ये और गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने थोड़ी पतली रखी है अभी इसको। डिश आउट कर लेते हैं। मैंने इसका रोगन निकाला था, ये भी डाल देंगे। हुआ मसाला है हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक और ये नींबू। मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।